दिल्ली हवाई अड्डे पर सुबह घने कोहरे के चलते और लो विजिबिलिटी के कारण कई विमान पर असर पड़ा है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल विमान के अंदर एक यात्री ने इंडिगो विमान के कैप्टन की घोषणा करने के दौरान पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सामने आया है। मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हम अभियुक्त के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। इधर DCP यानी कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की ओर से कहा गया है कि हमें एक शिकायत मिली है और हम उचित कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। विमानन सुरक्षा एजेंसी ने वायरल वीडियो के संबंध में जांच शुरू कर दी है। खबरों की माने तो दिल्ली से गोवा जाने वाली इंडिगो की उड़ान कोहरे के कारण देर थी, जिस कारण एक यात्री ने पायलट को ही मुक्का मार दिया। यात्री ने पायलट को तब मुक्का मारा जब पायलट रविवार दोपहर करीब 1 बजे उड़ान में देरी की घोषणा कर रहा था। यात्री की पहचान साहिल कटारिया के रूप में हुई है। उक्त जानकारी न्यूज एजेंसी ANI ने सरकारी सूत्र के हवाले से दी है। वहीं इंडिगो ने यात्री के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और केस दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।